गाइस, एसपी के टेक्निकल में आपका वेलकम है गाइस। तो आज मौसम बहुत बढ़िया है, तो दोस्तों आज हम पोर्टर में काम करेंगे, रैपिडो, ऊबर और जितने भी ऐप्स हैं सब में काम करेंगे। तो गाइस देखते हैं आज की इनकम कितनी होती है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, आज मेरे पैर में मोच आ रखी है तो काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी आज की, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज किस में अर्निंग ज़्यादा होती है। तो अर्निंग तो हम डेली देखते हैं कि अर्निंग वगैरह किस में हो रही है किस में नहीं हो रही है, बट आज कुछ यूनिक करके देखेंगे। आज पार्सल वगैरह देखेंगे, रैपिडो के अंदर कोई पार्सल आता है तो पार्सल लेंगे, तो बताऊंगा मैं आपको पार्सल का यूज कैसे करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ठीक है गाइस, तो वीडियो के साथ चलते हैं। तो आज आपको दिखा देता हूँ मैं रोड वगैरह कैसे चल रहा है। देख सकते हो दोस्तों, खुला मौसम है, कोई कुछ नहीं है, जाम वगैरह है बट कोने पर जाम है पालम फ्लाईओवर के पास, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, लेट्स गो अपने स्क्रीन पर, तो वहीं से अपने राइड उठाते हैं। तो आज देख सकते हो आप, ये अपना ऊबर है। सबसे पहले हम ऊबर ऑन करेंगे क्योंकि रैपिडो के अंदर तुरंत बुकिंग बच जाती है, इसको ओपन करने का भी मौका नहीं मिलता है हमें। ठीक है गाइस, तो हमने ओपन कर लिया अपना ये, उसके बाद चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, फिर हम अपना रैपिडो ऑन करते हैं। ये रैपिडो के लिए दोस्तों देख सकते हो आप, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस। तो गाइस एक चीज़ और बता दूँ आपको, रैपिडो के अंदर ये देख सकते हो लाल रोड आ जाएंगे तुरंत की तुरंत, तो जीरो कमीशन। अब गाइस देख सकते हो बुकिंग बच चुकी है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इसके बारे में। रैपिडो के अंदर एक नया कमीशन चार्ज आया है, ये गुड़गांव की है, गुड़गांव बॉर्डर, तो ये दोस्तों नहीं जाएंगे गुड़गांव बॉर्डर, तो बिल्कुल नहीं जाना। तो इसके बारे में दोस्तों मैं लास्ट में बताऊँगा आपको जीरो कमीशन के बारे में। ये भगवती गार्डन है, भगवती गार्डन नवादा, नवादा का है दोस्तों, और वो भी 3 किलोमीटर से पिकअप उठाना, तो 3 किलोमीटर से पिकअप नहीं उठाएंगे हम, स्किप करते हैं। तो वेट करते हैं गाइस कोई बुकिंग का। तो दोस्तों एक बुकिंग और बच गई है द्वारका की, यही आईटीसी होटल्स द्वारका। आईटीसी होटल का पता नहीं दोस्तों कहाँ पर है, आईटीसी होटल्स द्वारका न्यू दिल्ली, तो दोस्तों इसका नहीं पता। फिर भी देख सकते हो आप 3 किलोमीटर के दायरे में हमें वो पिकअप उठाना है। तो दोस्तों कंपनी कहीं पर भी भेज देती है, ये नहीं देखती बंदा कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है, ढाई तीन किलोमीटर की पिकअप दे देती है। ये देखिए अभी 2.5 किलोमीटर का पिकअप दे रखा है, और सेक्टर 7 जाना द्वारका सेक्टर 12, तो दोस्तों सेक्टर 12 का भी नहीं ले सकते हम। चलो देखते हैं गाइस एक बार उठाते हैं, सेक्टर 12 जाना है, पहले कट चुकी है गाइस। ये देखिए गाइस फिर 2.5 किलोमीटर का आ गया पिकअप, सागरपुर से उठानी है हम खड़े पालम में, और सागरपुर की बुकिंग आई रही है। तो सागरपुर की छोटो बुकिंग, हम अपनी देखते हैं कोई, तो वेट करते हैं गाइस। ये देख सकते हो गाइस कहाँ की मिली है हमें, 2 किलोमीटर की है, 7 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो गाइस बैठने से तो बढ़िया है, अपनी राइड वगैरह लेते हैं और चलते हैं अपनी राइड पर। तो हमने उठा लिया राइड, तो लेट्स गो दोस्तों। तो गाइस चलते हैं हम अपनी पिकअप लोकेशन पर। गाइस देख सकते हैं आप मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, फिलहाल यहाँ पर धुंध नहीं है, कहीं द्वारका साइड में जाएंगे खुले एरिया में तो हमें बहुत धुंध मिलेगी देखने को, यहाँ तो फिलहाल दोस्तों धुंध वगैरह नहीं है कुछ भी। देख सकते हो मौसम बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, बट दोस्तों सुबह के टाइम पर ऑफिस वालों का टाइम होता है जिसके चक्कर में जाम वगैरह ज़्यादा रहता है रोडों पर। आप देख सकते हो गाड़ियाँ चलती है स्पीड में, ऑफिस वालों का जाम है गाइस कुछ नहीं है, और बाकी स्कूल वालों का भी स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल में जाते हैं सब, तो उसकी वजह से भी जाम रहता है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। हमें 2 किलोमीटर का डिले नहीं है, 2 किलोमीटर का टाइम दिखा रहा है इसके अंदर, 2 किलोमीटर 6 मिनट का टाइम दिखा रहा है, और स्ट्रेट जाने बिल्कुल सीधा सीधा वहाँ से राइट मुड़ना है। तो हो सकता है अपनी वही राइड हो दोस्तों जहाँ पहले एक बार हमने उठाई थी सेक्टर 12 की साइड में। तो गाइस तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे वहीं पर ही पिकअप लोकेशन पर, तो जाम वगैरह ज़्यादा लग रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस कारण, चलो तो कोई नहीं फिर भी चलते हैं थोड़ा सा। तो गाइस जाम काफी है रोड पर, घंटे बाद दोस्तों कोई जाम नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि सब ऑफिस वाले जा चुके होंगे,
और बुकिंग वगैरह भी गाइस आपको बता दूँ 6 बजे से लेकर 11 के बीच में बुकिंग मिलती है बढ़िया से बढ़िया, तो उसके बाद कोई बुकिंग वगैरह नहीं मिलती है क्योंकि फिर ऑफिस वगैरह ख़त्म हो जाता है जो भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो गाइस मैं चलता हूँ अपने पिकअप लोकेशन पर, तो आपसे दोस्तों मिलता हूँ पिकअप ड्रॉप पर, पिकअप लोकेशन। तो गाइस देख सकते हो आप 30 मीटर दिखा रहा है, 1 मिनट का टाइम है, हम लोकेशन में पहुँच चुके हैं, तो हम आगे नहीं जा सकते। आगे देख सकते हो आप थोड़ा बाइक लगाई हुई है, रोड बन रहा है थोड़ा सा सामने, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं। तो गाइस हम यहीं से अपना कैंसिल कर दिए, अराइव करते हैं यहाँ से और मैसेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। बोलने का मैसेज डाल दिया गाइस, तो वेट करते हैं हम यहाँ से पिकअप उठाते हैं अपना, तो थोड़ा मैसेज का वेट करते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। तो गाइस स्टार्ट हो गई है और ये ऊबर के अंदर भी बच गई है राइड अपनी, तो हम चलते हैं पिकअप लोके ड्रॉप लोकेशन पर, वहीं मिलता हूँ आपको। तो गाइस हमारी राइड हो चुकी है ख़त्म, फर्स्ट राइड बहुत बढ़िया गई हमारी, 5 की रेटिंग दे देते हैं, डन पे क्लिक करते हैं गाइस, और यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर के लिए देख सकते हो आप, सेफ राइड गई है हमारी बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाई डिमांड पे कर देते हैं यहाँ से। तो हम सेक्टर 12 की मार्केट में दिखा सकता हूँ मैं, ये अपार्टमेंट है कोई, और ये यहाँ पर हमने पिकअप छोड़ा है। तो गाइस हमारी ड्रॉप हो चुकी है हमारी ख़त्म, पहली फर्स्ट राइड, तो ये मेन रोड है देख सकते हो आप, अपार्टमेंट है, धुंध वगैरह खैर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी कल के अकॉर्डिंग, तो ठीक ठीक है। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर, तो देख सकते हो गाइस अब तक हमारे पास कोई राइड नहीं मिली है दूसरी, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा, अपना ऊबर भी ऑन कर लेते हैं। तो गाइस ये ऊबर ऑन हो चुका है अपना, गो पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाएंगे, यू आर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आ चुके हैं गाइस हम देख सकते हो। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा दोनों राइड के अंदर कौन सी राइड मिलती है हमें, देख सकते हो अपने पास एक और आई है फेस 3 की है, ये साइबर सिटी मेट्रो, अब ये नहीं पता साइबर सिटी दूर का लोकेशन है गाइस, तो गाइस इसको तो नहीं ले पाएंगे, एक्स्ट्रा दे रहा है बल्कि 51 रुपये, साइबर सिटी हमें नहीं पता कहाँ का है साइबर सिटी, तो लॉन्ग पिकअप हो सकता है ये। तो दोस्तों हम आके नहीं लेंगे राइड, तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा और नेक्स्ट वेट के लिए, नेक्स्ट राइड के लिए। तो गाइस देख सकते हो आप द्वारका 1.5 किलोमीटर राइड है, HDFC बैंक है जो कि सेक्टर 23 से द्वारका से उठानी है, तो राइड इसको ले लेते हैं गाइस, चलते हैं सेक्टर 23 में। तो गाइस ये हम यहाँ से पिकअप अपना गो टू उस पर करते हैं पिकअप पे, तो हम पिकअप लोकेशन पर चलते हैं गाइस, तो वहीं से पिकअप उठाएंगे अपना, तो लेट्स गो गाइस, तो लेट्स गो गाइस हम चलते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर, तो दोस्तों वहीं मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों सेक्टर 12 से निकले हैं हम इस टाइम, सेक्टर 12 में सही है, यहाँ पर राइड वगैरह मिलती नहीं है जल्दी से, तो फिर भी हमने राइड यहाँ से उठा ली है, मिल गई है हमें, सेक्टर 23 छोड़ना है हमें, तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर। तो यहाँ से राइड दिखा जाएगा गाइस, तो रास्ता ख़राब है गाइस यहाँ से, तो गाइस हम सेक्टर 12 मेट्रो के नज़दीक में आ चुके हैं, सेक्टर 12 नज़दीक है, तो हम पहुँचने वाले हैं अपनी राइड पर। तो 5 किलोमीटर की दायरा दिखा रहा है गाइस, और 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 2 मिनट में हम पहुँचते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर। तो रोड वगैरह खाली पड़े बिल्कुल, ज़्यादा भीड़ भड़ाकर नहीं होता द्वारका साइड में, क्योंकि सब ऑफिसर जाकर निकल जाते हैं, तो बिल्कुल खाली है देखा जाए तो सामने से। तो हमें लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से गाइस, लेफ्ट दिखा रहा है बट हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि यू टर्न के सामने रास्ता बंद है, तो यहाँ से यू टर्न लेंगे। हमें थोड़ा सर्विस रोड पर है, सर्विस रोड पर हमें में नज़दीक में खड़े गाइस हम, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, तो गाइस ये मुड़ चुके हैं हम, जल्दी पहुँचते हैं पिकअप उठाते हैं। यहीं से पिकअप उठाना है, तो गाड़ी को करते हैं बंद और हम यहाँ पर अपना दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो गाइस हम पहुँच चुके हैं प्लाजो कुंज विहार, कोई अपार्टमेंट है, तो यहीं से हमें अपना पिकअप उठाना है,
तो वेट करते हैं थोड़ा सा, स्क्रीन पर आते हैं हम अपनी। स्क्रीन पर आने के बाद हम जैसे करते हैं कि अराइव करते हैं, यहाँ से अराइव करने के बाद मैसेज करते हैं यहाँ से अपने कस्टमर को, कॉल मी का मैसेज डालते हैं। अब इनका रिस्पांस देखते हैं कितनी देर में हमें आते हैं यहाँ पर, तो वेट कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा और आपको दिखा दूँ रोड वगैरह। देख सकते हो बिल्कुल खाली रोड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, भीड़ भड़ाक्का। तो हमारे पास कॉल आ गई है तो कॉल उठाते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ दोस्तों। तो गाइस हम अपने स्टार्ट करते हैं राइड। पिन कोड क्या है जी? 3298। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी राइड और मिलता हूँ आपसे ड्रॉप लोकेशन पर। तो लेट्स गो गाइस। देख सकते हो आप, हमने सेकंड राइड भी क्लियर कर ली है। लोकेशन दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको, ये देख सकते हो सामने HDFC बैंक है, जो कि हम सेक्टर 21 के नियर बाई में खड़े हैं, सेक्टर 21। तो अपनी फ़ोन की लोकेशन पर आते हैं, 5 की रेटिंग दे देते हैं गाइस। 5 की रेटिंग दे चुके हैं, डन पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए हम अपने करते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, एक बुकिंग आ गई है। नेक्स्ट करते हैं सेक्टर 27, सेक्टर 29 द्वारिका का ही है। तो पोचनपुर से उठाना है दोस्तों 1.31। तो दोस्तों ये भी नहीं उठाएंगे क्योंकि सेक्टर 29 जाना है। हम लेंगे द्वारिका साइड में अपने साइड की। तो थोड़ा वेट करते हैं गाइस बुकिंग का। तो गाइस देख सकते हो बुकिंग मिल गई सेक्टर 6 की। तो इसको हम पिकअप करेंगे, ये तीसरी राइड है अपनी। तो तीसरी राइड हमने ले ली है अपनी। तो यहाँ से पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पर जल्दी से जल्दी। तो नज़दीक में ये 6 मिनट का टाइम दिखा रहा है और 1.9 km है, 2 मीटर के दायरे में है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर, वहीं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस चलते हैं हम अपनी लोकेशन पर। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, हवाएं तेज चल रही है, थोड़ी ठंडी हवा है, बट धूप निकलने का भी आसार है, धूप भी निकल सकती है। तो गाइस हम पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पर। तो यहाँ से यू टर्न करना है अपन को, रोड खाली। तो गाइस मार्केट भी है रास्ते में, तो हमें अपने स्टेट चलना है। पहुँचते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर जल्दी से जल्दी। गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, पिकअप लोकेशन पर, क्लोज मैप। तो यहाँ से अराइव करते, अराइव करने के बाद मैसेज करते, कॉल मी। तो वेट कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा, वेट करने के बाद देखते क्या रिस्पांस मिलता है हमें। और हम इसमें पोचनपुर गांव से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए रोड की तरफ। तो देख सकते हो लोग घास भी सेक रहे ठंड की वजह से। तो पोचनपुर गांव से बाहर आ चुके हैं। तो वेट कर लेते क्या रिस्पांस मिलता है हमें अपने मैसेज का। तो दोस्तों कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कॉल करते हैं यहाँ से। कॉल लग चुकी है गाइस। आप भी हो गए भैया? तो स्टार्ट करते राइड, स्टार्ट राइड। क्या भी है कोड बताना? 5 7 5 7 6 8 6 8। तो चलो गाइस चलते हैं हम अपने ड्रॉप लोकेशन, वहीं मिलता हूँ आपसे। गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने ड्रॉप लोकेशन पर। तो कैश दे दिया भैया ने, तो कैश पे क्लिक करते हैं, 5 की रेटिंग दे देते हैं, डन करते हैं। तो नेक्स्ट राइड के लिए वेट करते हैं यहाँ से। तो ये भैया है, देख सकते हो आप। भैया जी कैसी लगी राइड? बढ़िया थी भैया। चलो थैंक यू भैया। तो गाइस हमने क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट राइड के लिए हम वेट करते हैं। ये सामने प्लाजा सेक्टर 6 की मार्केट है जो। तो यहाँ से वेट करते हैं थोड़ा राइड के लिए। तो गाइस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए इसके अंदर आजकल कंपनी ज़्यादा पैसे काटने लग गई है, बहुत ज़्यादा। तो अभी की राइड थी ये, देख सकते हो अर्निंग पे जाते हैं। अर्निंग पे जाने के बाद देख सकते हो गाइस, ये यहाँ पर 48 जो 10:28 हुए और यहाँ पर 31 दिखा रहा है टाइम। आप देख सकते हो ऊपर दिखा दूँ मैं आपको। तो गाइस ये अभी की राइड है, 48 बन रहे थे तो ये 30 दिखा रहा है, -9.53 कंपनी ने काटे है। तो गाइस इसके अंदर तो रैपिडो ज़्यादा काटने लग गई है पैसे, 48 यानी 18 काटे है कंपनी ने और 30 प्लस में मेरे को दिए यहाँ पर। एक 42 की राइड थी, एक 63 की राइड थी। तो दोस्तों काफ़ी कम पैसे मिलने लग गए, देख सकते 126 की अर्निंग हुई है। 3 राइड ली हमने अब तक, तो तीनों राइड हमने कम्प्लीट कर ली है। सेक्टर 6 की मार्केट में इस टाइम। तो वेट करते हैं यहाँ से बुकिंग का। भाई देख सकते हो अब हम बुकिंग के वेट कर रहे थे। तो दोस्तों बुकिंग अभी पश्चिम बिहार की आई थी, तो नेक्स्ट बुकिंग आई थी तो मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। तो हमने लोकेशन चेंज कर लिया इस टाइम, मेट्रो, ये मेट्रो नहीं गाइस, सेक्टर 6 की मार्केट है ये, देख सकते हो पूरी मार्केट है सेक्टर 6 की। तो सेक्टर 6 की मार्केट के पास खड़े हैं।
तो कपड़े की दुकानें भी बढ़िया बढ़िया खुली हुई है जितनी भी है। तो सेक्टर 6 की मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है, तो यहाँ से देख रहे हैं कोई बुकिंग वगैरह मिल जाए हमको, तो चलते स्क्रीन पर देखते हैं हम अपनी बुकिंग वगैरह कहीं की मिलती है। तो गाड़ी देख सकते हो अपने पास एक बुकिंग और आ गई है सेक्टर 6 से, 2 किलोमीटर की है। तो दोस्तों ये जाएगी उद्योग विहार सेक्टर 20। तो दोस्तों उद्योग विहार की तो हमें लेनी नहीं है, हमने कभी ली भी नहीं है, तो हम नहीं लेंगे इसको और वेट करेंगे हम कोई द्वारका की मिल जाए कहीं की भी है, सेक्टर 21 सेक्टर 22 सेक्टर 28 या अपने सागरपुर की मिल जाए तो गाइस वो भी ले लेंगे, तो यहाँ की नहीं लेंगे, वेट करते हैं और बुकिंग अपनी कोई ना कोई मिलेगी, क्योंकि अभी सेकेंडरी राइड बची है हमारे पास, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग पिकअप की देख पश्चिम बिहार की तो एक उद्योग बिहार की, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ से हमें कोई बुकिंग नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे सेक्टर 6 से, तो हाई डिमांड एरिया में चलते हैं गाइस, वहाँ से हम पिकअप करेंगे अपना, लेट्स गो गाइस। तो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। धूप भी निकल चुकी है, अच्छा मौसम हो गया है, ठंड वगैरह गायब हो चुकी है, धूप निकल चुकी है, तो हम पहुँचते हैं अपने हाई डिमांड एरिया वाले लोकेशन पर। तो गाइस आग भी अच्छी जलाई हुई है, देख सकते हो आप, दिख भी रहा होगा आपको, धूप आ चुकी है काफ़ी तेज है, तो ये भी अच्छी बात है। हमने सुबह की राइड भी हमने काफ़ी मार ली है, 3 राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी राइड मिलेगी हमारी 4th राइड होगी, तो 4th राइड के लिए भी हम वेटिंग करते हैं, थोड़ा सा दोस्तों वेट करना पड़ता है तब जाके राइड मिलती है हमें, तो वेट करते हैं गाइस राइड का। तो चलते हैं हाई डिमांड एरिया में, पहुँचते हैं गाइस जल्दी जल्दी। हमने लोकेशन चेंज कर दी है, तो हमने एक पिकअप ले लिया है दोस्तों, तो पिकअप हमने 2 सेकंड रह गए थे तो हमने उठा लिया पिकअप। तो देख सकते हो हम इस टाइम सेक्टर 6 वो रामफल चौक की मार्केट में खड़े हैं, यहाँ से पिकअप दुनिया भर के मिलती है राइड वगैरह। तो दोस्तों हमारा स्टैंड भी टूट चुका है, देख सकते हो आप, यहाँ से हमारा वो था जो टूट चुका है, तो राइड भी नहीं ले पाएंगे गाइस, हम राइड की वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हो आप हमने पिकअप यहाँ से उठा लिया है, तो हम पिकअप लोकेशन पर चलते हैं, यहाँ से पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद गाइस मिलते हैं, वहीं से पिकअप लोकेशन पर मिलता हूँ मैं आपसे, तो लेट्स गो गाइस। फोन आ गया है तो देखते हैं, हेलो, कॉल कट हो गया है गाइस, फोन आया था अभी अभी, तो कॉल कट हो चुका है, तो हम कॉल करते हैं यहाँ से, तो गाइस हमारी कॉल जा रही है, तो देखते क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हेलो, हाँ जी भैया, आ रहा हूँ बस 5 मिनट में पहुँचा आपके पास। जाना कहाँ पर है? ठीक है आ रहा हूँ। तो गाइस लेट हो रही है, हम चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं यहाँ से, तो लेट्स गो। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, देख सकते हो अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं हम, तो यहाँ से मैप क्लोज करते हैं, अराइव करते हैं, कन्फर्म राइड करते हैं, स्टार्ट राइड करते हैं यहाँ से। तो क्या भी है कोड क्या है? 4574। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, हम चलते हैं अपनी लोकेशन पर, आपसे मिलता हूँ मैं ड्रॉप लोकेशन पर, तो लेट्स गो। अपनी 4th राइड भी क्लियर हो चुकी है, 47 का पेमेंट था, 50 दे गए भाई साहब, तो ये कैश पे करते हैं, कैश कलेक्ट हो चुका है अपना, देख सकते हो 5 की रेटिंग डन, और नेक्स्ट राइड करते हैं गाइस। तो वेट करते हैं यहाँ से अपनी सेट की बुकिंग लेंगे अब, क्योंकि अब चलने का टाइम हो गया है, पैर में ज़्यादा दर्द कर रहा है मेरे गाइस, तो और बाकी अपना स्टैंड है जो देख सकते हो यहाँ पर जो टूट गया है, इसको भी रिपेयर करवाएंगे, नया लेंगे। तो गाइस लेट्स गो। तो गाइस वेट करते हैं हम अपनी राइड का, हमने एक राइड और उठा ली है, राहुल प्रसाद है कोई, तो इसकी पिकअप लोकेशन पर चलते हैं, देख सकते हो पिकअप लोकेशन कहाँ की दिखा रहा है, 1.8 km दिखा रहा है, 5 मिनट का टाइम है। तो गाइस लेट्स गो, चलते हैं उनकी लोकेशन पर, आपको मिलता हूँ मैं पिकअप लोकेशन पर, तो गाइस चलते हैं वहीं पर ही। गाइस देख सकते हो आप राइड ज़्यादातर कैंसिल होती है लॉन्ग पिकअप के चक्कर में, तो देखिए कैंसिल हो चुकी है हमारी राइड जो जा रही थी लेने के लिए, तो ये लॉन्ग पिकअप लेते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग पिकअप उठाता नहीं हूँ कहीं, इसका भी 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप दे देते हैं कंपनी वाले, बट ये नहीं देखते कि दूर का है, तो इसलिए कस्टमर कैंसिल कर देता है, क्योंकि कैंसिल हम ले चुके हैं। तो गाइस देखते कोई बुकिंग मिलती है तो अब ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम चलते अपने घर की तरफ, काफ़ी देर हो चुकी है, तो पैर में भी दर्द कर रहा है, तो गाइस मेरे चोट लग चुकी है पैर में, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइस काफ़ी देर हो गई हमें वेट करते हुए, हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, मगर इससे पहले आपको बता दूँ लॉन्ग पिकअप लेना बिल्कुल बेकार काम है, तो लॉन्ग पिकअप कभी भी मत लीजिए, कंपनी कहीं पर भी फेंक देती है, 4-4 किलोमीटर का लॉन्ग पिकअप दे देते हैं, और कस्टमर 4 रुपये की एक्स्ट्रा दिखाते हैं, जिसके कारण लालच देते हैं,
और रैपिडो के अंदर ये बड़ी चीज़ ख़राब लगती है मेरे को, लॉन्ग पिकअप दे देते हैं, नियर बाय का नहीं देते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, रैपिडो के अंदर रेटिंग कार्ड भी चेंज हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई गई थी तो उसमें रेटिंग चेंज हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। 79 का प्लान भी होगा कुछ, जिसके अंदर काफ़ी चेंजिंग है, तो आप वो प्लान भी ले सकते हो। तो ऊबर के अंदर दोस्तों बुकिंग वगैरह ज़्यादा आती नहीं है, आती है तो लॉन्ग राइड वगैरह आती है। तो इन ड्राइव के अंदर दोस्तों मैंने कल उठाई दी एक, तो मगर उसके अंदर ज़्यादातर बाहर की कंपनी है ये इन ड्राइव, आप जानते हो, तो इसमें हफ्सी वगैरह ज़्यादा आती है, तो मैं उसमें उठाता नहीं हूँ राइड वगैरह कोई भी। तो एक उठाई थी मैंने कैंसिल कर दी थी। तो देखा जाए तो बस रैपिडो के अंदर बुकिंग ज़्यादा मिल जाती है और कोई बात नहीं है, मगर लॉन्ग पिकअप मिलता है इसके अंदर, तो राइड भी कोई नियर बाय की मिल जाए तो भी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लॉन्ग पिकअप मिल जाए तो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो इससे बेहतरीन वीडियो लेकर राजी रहूँगा मैं। तो बेस्ट यही कहूँगा मैं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा राइड लीजिए लॉन्ग पिकअप की। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ब्लिंकिट एक ऐसा ऐप है जिसमें सब्जी वगैरह कुरियर का जो घर का सामान होता है, घरेलू सामान, उसकी पिकअप उठाकर घर पहुँचाना पड़ता है सब्जी वगैरह, तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना। तो लेट्स गो, बाय बाय दोस्तों।